हेलो बिग बॉस, मैं कुणाल पुरी ऑरेंज सिटी नागपुर का रहने वाला हूँ। एक पॉलिटिशियन हूँ, एक यंग पॉलिटिशियन और नागपुर सिटी यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाय प्रोफेशन अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ। बिग बॉस, एज एन पॉलिटिशियन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं और एज पर पॉलिटिशियन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का कि सब चीज़ें आजकल खिलवाड़ लगती है। ना कोई डर है, ना कोई दहशत है। नागपुर सिटी आज के डेट में सीएम की सिटी के नाम से जानी जाती है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम। मैंने उन्हें भी कई बार काले झंडे दिखाए, उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट किए हैं। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा, ये मेरा मानना है। चाहे स्कूल के मुद्दे हो, कॉलेजेस के मुद्दे हो, यूनिवर्सिटीज के मुद्दे हो या आम जनता से जुड़ी कोई भी तकलीफ, हमेशा उसके लिए सबसे पहले आंदोलन किया और हमेशा उसमें सक्सेस भी पाई है। बिकॉज मेरी क्वालिटी है कि मैं अपनी आवाज के दम पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी अधिकारी को बहुत आसानी से दबा देता हूँ। एक हद तक के बहुत अच्छा नॉलेज है मुझे हर चीज़ों का, ये मेरा प्लस पॉइंट है। जब भी कोई किसी भी आदमी बात करता है तो उस बात का हमेशा पूरा नॉलेज रखता हूँ कि मुझे बात क्या करनी है, ताकि चार लोग नीचा ना फील कर सकूं। बिग बॉस, आपके घर में आने का एक मौका चाहता हूँ, नॉट एज एन कंटेस्टेंट, एज एन विनर। लोगों के फेसबुक में जितने लाइक नहीं होते हैं उससे कई गुना लाइक्स मेरे फेसबुक पर होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं लोगों की जितनी फ्रेंड लिस्ट है उतने तो के मेरे लाइक्स हैं या उससे कई ज़्यादा। फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, मशहूर भी हूँ, लेकिन नागपुर में बिग बॉस आपके शो से ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहता हूँ। उम्मीद का तो आप मुझे आपके शो में देखना जरूर पसंद करेंगे। थैंक यू बिग बॉस।